नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में कैंडिड कैप्सूल के बारे में। जानेंगे क्या है, कौन सी प्रॉब्लम दी जाती है, कौन इसको प्रिस्क्राइब करता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में काम आ सकते हैं, डोज इसकी क्या होती है, कितने दिन तक लेना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, कैंडिड एक ब्रांड नेम है ग्लेनबर्ग कंपनी का। दोस्तों, इसको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी इस दवा का सेल्फ यूज मत कीजिएगा। ये लगभग हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाता है, काफी फेमस कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये दो स्ट्रेंथ में आता है, 100 mg और 200 mg, यानी 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम। बात करते हैं भाई कहां दिया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर आता है आइट्रोकोनाजोल। आइट्रोकोनाजोल एक सोल्ट नेम है, मोलिक्यूल नेम है। ये दोस्तों एंटी फंगल मेडिसिन होती है। अगर फंगल इन्फेक्शन है, फंगल संक्रमण है बॉडी के अंदर, तो वहां पर डॉक्टर देते हैं। उस इन्फेक्शन में लड़ने के लिए, उस फंगस को खत्म करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि माउथ इन्फेक्शन, माउथ के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन दे सकती है, या गले का इन्फेक्शन हो, ठीक है, गले में भी हो सकता है फंगस के कारण इन्फेक्शन, तो दे सकती है। या दोस्तों, महिलाओं में होने वाले विजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, अगर वो फंगस के कारण है, तो उसमें भी दे सकते हैं। या दोस्तों, राउंड दांत बनना, अगर राउंड दांत है तो वो फंगस का कारण होता है, राउंड दांत, तो उस दांत की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, जो कि फंगस के कारण हो सकता है, तो दे सकते हैं। या कोई नेल का इन्फेक्शन हो, तो नेल इन्फेक्शन भी फंगस के कारण ही फैलता है, होता है, तो दे सकते हैं। या बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा खुजली चलती है, छोटी छोटी फुंसियाशी हो गई है, अगर फंगस है तो दे सकते हैं। बात करते हैं भाई ये काम किस तरह से करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए, ये जो फंगस की सेल वॉल होती है, जो बाहरी दीवार होती है, जिसके कारण फंगस प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, तो उसी दीवार को गिराकर काम करती है। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन्स, कुछ इंजाइम्स का संश्लेषण भी ये बंद कर देती है, जिनके कारण फंगस फैलता है। एक्चुअली दोस्तों, फंगस जो होता है, ये ऐसा इन्फेक्शन होता है, ये इम्यून सिस्टम से बचकर बॉडी के किसी भी पार्ट में छुपकर रह सकता है। जहां पर भी रहता है, वहां अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन कर लेता है, बहुत ज्यादा फैला लेता है, जो कि बाद में कंट्रोल करना नामुमकिन सा होने लगता है। तो वहां पर फिर डॉक्टर आइट्रोकोनाजोल प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और जड़ से खत्म होने के लिए आपको डोज जितना डॉक्टर ने कहा है उतना लेना है, और उतने दिन लेना है। इसमें आप कभी भी लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं वापस आ जाते हैं, तो इसलिए आते हैं, हम डोज पूरी नहीं लेते, इसकी जड़ खत्म करनी बहुत जरूरी होती है। बात करते हैं डोज के बारे में। तो अगर 100 mg है, 200 mg है, बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, प्रॉब्लम के हिसाब से दिया जाता है। वैसे नॉर्मल डोज की बात करूं, दोनों ही मिलीग्राम दिन में 2 बार डॉक्टर दे सकते हैं, 2 बार देनी ही पड़ती है, सुबह और शाम खाने के बाद ले सकते हैं। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं, जैसे कि कफ बनना, कोल्ड होना, यानी कॉमन कोल्ड होना, ठीक है, धुंधला दिखना। इसलिए गाड़ी चलाते समय कभी भी आइट्रोकोनाजोल कैप्सूल नहीं लेना चाहिए, डोज नहीं लेनी चाहिए, धुंधला सा दिख सकता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कम चांस होते हैं। सावधानी बस यही है, डॉक्टरी सलाह से लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। अगर आपको किडनी लीवर की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में पहले ही डॉक्टर को जरूर बताएं। दोस्तों, कभी भी डोज लेना या नहीं लेना अपने हिसाब से मत कीजिएगा, डॉक्टर को दिखा के अगर बंद करना है तो डॉक्टर दिखा के करनी चाहिए। मिलते हैं वीडियो।